आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बच्चे के बिहेवियर को शेप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसको आकार देते हैं, बच्चे के व्यवहार को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोड्स ऑफ टीचिंग को। तो देखिए, आपके टीचिंग के जो मोड्स हैं उनको दो लेवल्स में कैटेगराइज किया हुआ है, लो लेवल ऑफ टीचिंग एंड हायर लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के प्रोसेस में हमने पढ़ा था क्या होता है आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट क्या होता है, बच्चा, ठीक है, जो भी उसकी एबिलिटीज क्वालिटीज़ हैं, जो वो पहले से ही वो पूर्व ज्ञान लेकर आ रहा है, ठीक है, एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। फिर प्रोसेस क्या होता है, आप वहाँ पर टीचिंग करते हैं, उसे सिखाते हैं। और आउटपुट क्या होता है, यहाँ पर चेंज इन बिहेवियर, यानी बच्चे के व्यवहार में हम वांछित परिवर्तन लेकर आते हैं। तो देखिए, अब टीचिंग के क्या क्या मोड्स होंगे जिससे हम चेंज इन बिहेवियर ला सकते हैं। तो लो लेवल ऑफ टीचिंग में पहला आपका आता है कंडीशनिंग, जिसे हम कहते हैं अनुबंधन। दूसरा होता है आपका ट्रेनिंग, जिसे हम कहते हैं प्रशिक्षण। फिर हायर लेवल ऑफ टीचिंग भी दो में सब कैटेगराइज हुआ हुआ है। थर्ड आ जाएगा आपका मोड इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन, और फोर्थ आ जाएगा आपका इंडॉक्ट्रिनेशन यानी समझाना। अब देखिए, इनको डिटेल में समझते हैं। लो लेवल ऑफ टीचिंग में हमने बात करी कंडीशनिंग और ट्रेनिंग की। कंडीशनिंग क्या है, कंडीशनिंग या अनुबंधन, इसके बारे में हम लर्निंग में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लर्निंग में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग देखी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग देखी थी, जहाँ हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, ठीक है। आपने कोई क्यू स्टिमुलस यहाँ पर दिया और बच्चा उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बच्चे के बिहेवियर को शेप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसको आकार देते हैं, बच्चे के व्यवहार को। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब बच्चे छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी के जी क्लासेस में हम छोटे छोटे आप कमांड्स पे उन्हें रिएक्ट करना सिखाते हैं कि अगर टीचर एंटर कर रहा है तो आपको खड़े होकर ग्रीट करना है, सिट डाउन कहने पे बच्चे को बैठना है। ये मैं बहुत आपको बेसिक से एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप लर्निंग की थ्योरीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बहुत तरह के रिलेशनशिप कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे अगर बच्चे ने अच्छा काम किया है, आपने उसे रिवॉर्ड दिया, तो वो उसके लिए फिर स्टिमुलस का काम करता है, वो और अच्छा काम करता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम कंडीशनिंग कर रहे हैं बच्चे की। तो कंडीशनिंग में हम क्या कर रहे हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में रिलेशनशिप बना रहे हैं, बच्चे को व्यवहार में जो है हम परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे हम हैबिट्स सिखा रहे हैं बच्चे को। फिर आपका देखिए ट्रेनिंग आता है, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। ट्रेनिंग क्या होता है, इससे हम बच्चे के कंडक्ट में वांछित परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, यानी उसके आचरण में। ट्रेनिंग होती किस लिए है, आप कहीं भी आप ट्रेनिंग की बात करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ स्किल सिखाया जाता है। तो टीचिंग में अगर हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जैसे कि बच्चे को बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं, रीडिंग स्किल्स डेवलप किए जाते हैं, राइटिंग स्किल्स डेवलप किए जाते हैं। अगर आपको कुछ एक्टिविटी बच्चे को करके दिखानी है, बच्चे का हाथ जो है उस एक्टिविटी के ऊपर, हैंड्स ऑन एक्टिविटी आपको सही से लेकर आना है, यानी आप उसको अच्छी तरह से करना कोई काम सिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, बच्चे की ट्रेनिंग करेंगे। तो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण से आप बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप करते हैं जो उसके कंडक्ट यानी आचरण में दिखाई देता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, शेपिंग ऑफ कंडक्ट। फिर हाई लेवल ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जिसे हम हिंदी में अनुदेशन कहते हैं, और इससे हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को नॉलेज दे रहे हैं। देखिए, जब आप क्लासरूम में लेक्चर्स लेते हैं तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, उस लेक्चर के थ्रू आप बच्चे को क्या दे रहे हैं, आप नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं बच्चे के अंदर, ठीक है। आप ज्ञान दे रहे हैं बच्चे को, इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं आप वो लेक्चर के थ्रू दे रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप क्या दे रहे हैं बच्चे को, नॉलेज। तो यहाँ आप किसको आकार दे रहे हैं, ज्ञान को आकार दे रहे हैं, शेपिंग ऑफ नॉलेज हो रहा है यहाँ। अगर हम फोर्थ वन देखें तो वह है इंडॉक्ट्रिनेशन। हिंदी में अगर एक सही वर्ड देखें इसके लिए, समझाना, ठीक है। यानी कि आप कोई भी प्रोसेस बच्चे को अगर समझाना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो आपको तर्कपूर्ण रूप से समझाना पड़ेगा, ठीक है। तभी बच्चा आपकी बात मानेगा, तभी उसके बिलीफ जो है वो यहाँ शेप होंगे, यानी आप उसकी धारणा को आकार देंगे। धारणा को आकार ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, उसके पीछे की रीजनिंग बतानी पड़ेगी। कोई भी अगर आप साइंटिफिक प्रोसेस बता रहे हैं वो क्यों हो रहा है, तो आप लॉजिकल उसके सामने रखेंगे, ठीक है, तभी वो आपके ऊपर जो है विश्वास करके उस चीज़ के ऊपर अपने बिलीफ में लेगा, ठीक है, अपनी धारणा में आत्मसात करेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि टीचिंग के ये मोड्स हैं, ठीक है। कंडीशनिंग और ट्रेनिंग जो है आपके निचले स्तर के शिक्षण यानी निम्न स्तर के शिक्षण में आता है, इससे हम क्या दे रहे हैं, व्यवहार और आचरण को आकार दे रहे हैं। और उच्च स्तर के शिक्षण में आपका क्या आ रहा है, अनुदेशन और समझाना, जिससे हम ज्ञान और धारणा को आकार दे रहे हैं। और इन सब को शेप करने से हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, चेंज इन बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, व्यवहार में वांछित परिवर्तन,
ठीक है। तो बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही हमारा टीचिंग का उद्देश्य होता है, ठीक है। जो भी हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं और उनके मोड्स क्या क्या हैं, वो चार मोड्स आपके इस तरीके से होंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।